हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नर पर, यानी हमने अभी सेंटर का द यूनियन जो था हमने पढ़ लिया, उसमें मैक्सिमम टॉपिक कवर हो गया। जैसे हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और लास्ट में हमने अटॉर्नी जनरल प्लस उसके साथ साथ में एडवोकेट जनरल भी पढ़ लिया था। अब हम लोग आ गए हैं स्टेट सेंटर में, या स्टेट में आ गए हैं, जिसमें हम लोग स्टेट में पढ़े थे आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक था, 151 से लेकर 237 तक था। तो हम पहली पोस्ट पढ़ते हैं स्टेट के अंदर जो होती है वो होती गवर्नर की। जैसे सबसे पहली पोस्ट होती सेंटर में वो होती प्रेसिडेंट की, ठीक उसी तरह से हूबहू आपकी पहली पोस्ट होती स्टेट में वो होती गवर्नर की, सबसे पहली पोस्ट। यानी हम एक तरह से देखा जाए तो इक्वेलेंट होता है किसके, प्रेसिडेंट के। सेंटर में प्रेसिडेंट है, स्टेट में गवर्नर होता है, उसी के इक्वेलेंट होता है, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे गवर्नर को। गवर्नर आपको इतना पता है, कुछ कॉमन चीज़ें जानते हैं, गवर्नर हर राज्य में होता है, हर राज्य के लगभग लगभग हर राज्य में होता है, ठीक है। ये यूजुअली होता है हर राज्य में, एक गवर्नर कंपल्सरी माना जाता है। लेकिन सेवन्थ अमेंडमेंट आता है, संविधान संशोधन होता है 1956 में, जिसमें ये थोड़ा सा चेंज कर दिया गया कि हर राज्य में एक गवर्नर कंपल्सरी नहीं है, बल्कि 2-3 राज्यों को मिला करके भी एक गवर्नर बनाया जा सकता है। ये सेवन्थ अमेंडमेंट में हो गया, ये बातें कह दी गई, ठीक है। तब से आप देखेंगे तो अब कई कई राज्यों में, अलग अलग राज्यों में गवर्नर या एक गवर्नर कई राज्यों का हो सकता है, ठीक है, ओके। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग गवर्नर की पोस्ट के बारे में, इसके आर्टिकल्स के बारे में, इसके टेनर के बारे में, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है, या इनके पावर्स कौन कौन होते, या कितने सैलरी इनकी मिलती है, कहाँ से दी जाती है, वो सब क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। ये जो क्लासेस हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग का एक तरह से रिविजन भी हो जा रहा है, प्लस जितने क्वेश्चन पॉसिबल बनाए जा सकते हैं वो हम हर चीज़ इसमें देख लिया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से कहाँ से बनाए जाते हैं वो सब देख ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग, इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, एलिजिबिलिटी इनकी क्या होती है। गवर्नर का एलिजिबिलिटी है सिटीजन ऑफ इंडिया और 35 वर्ष का एज होनी चाहिए, ठीक है, और नो ऑफिसर ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए, और ये जिस राज्य के गवर्नर है उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वेरी गुड, और ये मेंबर भी नहीं होना चाहिए। हाँ। और किसी पार्लियामेंट का, स्टेट के पार्लियामेंट, किसी स्टेट के, स्टेट के पार्लियामेंट का, किसी के, किसी हाउस का मेंबर। क्या क्या इनकी एलिजिबिलिटी, इन्होंने बताया कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। प्लस एक चीज़ इन्होंने छोड़ दिया है, वो ये है कि ये प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, तो अपॉइंटमेंट जो होता है वो उस राज्य के सीएम से पूछ करके, कंसल्ट करके होता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें इन्होंने अच्छा बताया, बढ़िया है, ये इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इनके लिए कोई भी किसी एरिया से जीतना कंपलसरी नहीं है, यानी जीतना होना ही भी नहीं चाहिए, यानी किसी तरह से किसी भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए, इनको पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स से दूर दूर का इनको संबंध न होना चाहिए, क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये इनका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, प्रेसिडेंट का, गवर्नर का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। गवर्नर का आर्टिकल 153 से 167 तक आर्टिकल आते हैं, ठीक। किस पार्ट में आते हैं गवर्नर? सिक्स पार्ट में आते हैं, ठीक। ये पार्ट सिक्स में आते हैं और इनका आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक है, 67 तक इसका आता है, ठीक है, ओके। इनको एक और नाम से जानते हैं, जैसे ये हमने देखा है कि ये सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी सेंटर के एजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब बताइए ये अपॉइंटमेंट इनका कौन करता है? गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, उस राज्य के सीएम से पूछकर, उस राज्य के सीएम से पूछकर, यानी उसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछकर करेंगे, ताकि कोऑपरेशन दोनों में बना रहे, इसलिए करते हैं, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब हम लोग बात कर लेते हैं टेनर पे, इनका टेनर कितने साल का होना चाहिए? क्या टेनर 5 ईयर होता है और या प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। ये आपने टेनर देख लिया, हम बात कर लेते हैं आगे, इनकी सैलरी कितनी होती है और कहाँ से दी जाती है, कौन सेट करता है? इनकी जो सैलरी है स्टेट की संचित निधि से दी जाती है, और ये जो पार्लियामेंट सेट करती है स्टेट सेंटर के बारे, सेंटर सेट सेंटर की, सेंटर की पार्लियामेंट, सेंटर की पार्लियामेंट सेट करती है, ऐसा होता है क्योंकि ये सेंटर के द्वारा ये अपॉइंट की जाती है, सेंटर द्वारा अपॉइंट करेगी, सेल काम करेगा सेंटर, सेंटर है, ठीक है, वेरी गुड। इनकी सैलरी सेंटर से दी जाती है, सेंटर डिसाइड करता है, यानी पार्लियामेंट सेंटर का डिसाइड करता है, और दी कहाँ से जाती है, स्टेट के संचित निधि से, ठीक है। प्रेसिडेंट इनको मतलब डिसाइड करता है। टेनर हमने देख लिया, टर्म कितनी बार, यानी ये अपने पोस्ट पे कितनी बार बनाए सकते हैं, या टेनर से क्या इनका रिलेशन है, ठीक है, बताइए कितनी बार ये बना सकते हैं अपनी पोस्ट के लिए। इनका कोई अपॉइंटमेंट पॉसिबल है या नहीं है? इनका री अपॉइंटमेंट पॉसिबल है,
और ये चाहे कितने भी साल तक बनाए जा सकते हैं टिल डेथ। पाँच पाँच साल पे मैक्सिमम पीरियड कितना है इनका? मैक्सिमम पाँच साल। किसी गवर्नर का टेनर खत्म हो गया, पाँच साल खत्म हो गया, तो आप क्या वो कब तक अपनी पोस्ट बना रहेगा? जब तक नया गवर्नर ना आ जाए। जब तक नया गवर्नर आना जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए आपने पूछ लिया गया, ठीक है। इनका रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, कोई एज लिमिट नहीं है, इनका रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल एज लिमिट नहीं है, प्लस ये अपनी पोस्ट पे तब तक बने रहेंगे टेनर इन होने के बावजूद भी जब तक नया गवर्नर पोस्ट पे ना आ जाए, ठीक है। ओके, अगला बात कर लेते हैं हम लोग इनकी वैकेंसी कैसे कैसे क्रिएट होती है, वैकेंसी कैसे कैसे बनाई जाएगी या बनती है। इनकी वैकेंसी या रिजाइन दे देते हैं तब खाली हो जाती है, या इनकी डेथ हो जाती है, या इनको रिमूव कर दिया जाए, या इनका टेनर इन हो जाता है या पाँच साल हो जाए, तब इनकी वैकेंसी खाली हो जाती है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। कैसे कैसे होती है, रिजाइन कर दिया इन्होंने स्वेच्छा से, या इनके ऊपर अच्छा एक सब इन्होंने छोड़ा, या क्या हम कह सकते हैं, गेस कर सकते हैं, क्या इनके ऊपर कोई इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस है, जैसा कि अभी प्रेसिडेंट के ऊपर था एक इम्पीचमेंट? नहीं, इनके ऊपर इम्पीचमेंट तो जैसे हम ये समझ रहे हैं कि स्टेट में होता है, इनके में मतलब स्टेट में होता है सेम पोस्ट उसी तरह से है, तो इम्पीचमेंट कुछ ऐसा चीज़ है कि नहीं है? नहीं है इसमें इम्पीचमेंट इनके ऊपर नहीं है, ठीक है। इनके ऊपर कोई इम्पीचमेंट टाइप का नहीं होता, क्यों नहीं होता ऐसा, क्या वजह है? अपॉइंटमेंट होते हैं और इनका री इलेक्शन होता है। हाँ, इनका इलेक्शन नहीं होता, अपॉइंटमेंट होता है ना इनका, इसलिए कह सकते हैं कि कुछ रीजन होगा कि इनका इम्पीचमेंट नहीं होता है, ठीक है। हटा सकता है जब चाहे तब प्रेसिडेंट इनको हटा सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट को कोई जब चाहे तब हटा नहीं सकता था, उनके लिए क्या था, इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाना होता था। लेकिन इनके कह सकते हैं सिंपल से कि जो कोई व्यक्ति जिसके ऊपर आंध्र प्रदेश प्रेसिडेंट होगा अपॉइंटमेंट, वो सिंपल से उसके ऊपर इम्पीचमेंट टाइप प्रोसेस नहीं होगा, उसके लिए कोई सिस्टम नहीं, सिंपल सी एक बात होगी कि ब्लेजर पे है तो ब्लेजर पे उनके हटाए भी जा सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, हटा दिए जाएंगे, ठीक है। ओके, ये होगी बात है। अब हम बात कर लेते हैं ओथ, इनको ओथ कौन दिलवाता है और किस चीज़ की ओथ ये देते हैं या लेते हैं? इनको ओथ दिलाता है स्टेट का CJI और CJI हाई कोर्ट का CJI और स्टेट जिसको पढ़ता है हाई कोर्ट का जस्टिस मोस्ट जज सीनियर मोस्ट जज हाई कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। या तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस शपथ दिलवाएगा, या फिर चीफ जस्टिस कहने जिसको कह देंगे, या कह सकते हैं जिसको सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट वो दिला सकते हैं। कुछ बातें कर लेते हैं, इनकी इम्यून कुछ छूट दी गई है इनको अपनी पोस्ट के रहते समय, यानी अपनी पोस्ट पर रहेंगे ये तब तक इनको कुछ छूट है कुछ चीज़ों की, वो क्या क्या छूट है उसको बताइए। जैसे इनको कोई क्रिमिनल प्रोसेसिंग होता है तो इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, इनको अरेस्ट केस में इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और सिविल कोस्ट है तो उनको सिविल कोस्ट में इनको छूट नहीं है, इनको भी इनमें 2 महीने पहले इनको नोटिस दी जाएगी, इनमें चलेगा सिविल कोर्ट, सिविल केस में कोई छूट नहीं है, लेकिन नोटिस दे दी जाएगी इनको 2 महीने पहले, यही छूट इनको 2 महीने पहले बस नोटिस केस चलता रहेगा, ठीक है। 2 केसेज होते हैं, सिविल केस और क्रिमिनल केस, तो क्रिमिनल केस इनके ऊपर नहीं चल सकता जब तक ये अपने पोस्ट पे है, भले ही किसी की हत्या ये कर लें उससे छूट है इनको, ठीक है। हम आप लोग हत्या करेंगे तो जेल चले जाएंगे, लेकिन इनके ऊपर छूट है। सिविल केस में क्या है, सिविल केस के इनका जैसे हमारे साथ होता है उसी तरह से इनके भी सिविल केस चलते रहेंगे इनके ऊपर, लेकिन बस याद रखना है कि 2 महीने पहले इनको नोटिस दी जाएगी, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब हम लोग आते सीधे सीधे अब इनके पावर्स पे, इनके जो पावर्स हैं इनके जो रोल्स हैं उस पर आते हैं। तो सबसे पहली पावर्स होती है, जैसे हमने 2-3 पावर देखा था प्रेसिडेंट के लिए, तो वही सारी पावर्स लगभग इनके साथ भी होती है। तो पहले पावर होती है एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी इनकी पावर होती हैं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर, इनकी कार्यकारी शक्तियाँ, गवर्नर की कार्यकारी शक्तियाँ, इनके नाम पे सभी कार्य किए जाते हैं, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन इनके नाम पे किए जाते हैं। यह CM और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को अपॉइंटमेंट देते हैं, तथा CM और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इन्हीं के प्लीजर पे कार्य करती है, जो ऑफिस से देते हैं उन्हीं पे ये कार्य करते रहते हैं। एडवोकेट जनरल को भी अपॉइंट करते हैं, तथा स्टेट SPSC इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट करते हैं, स्टेट के SPSC चेयरमैन और उसके मेंबर को भी अपॉइंटमेंट करते हैं। इंफॉर्मेशन फ्रॉम CM, ये CM से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं इमरजेंसी लगाने के लिए। ये सभी यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं, तथा वहाँ के जितने भी स्टेट में यूनिवर्सिटी होती हैं उसके वाइस चांसलर को नियुक्त करते हैं, ठीक है। ये इनकी पावर्स हुई एग्जीक्यूटिव पावर्स, इसका मतलब ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस शुड बी टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर,
गवर्नर के नाम पे सारे स्टेट के जो एक्शंस होंगे वो किए जाते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट करते हैं सीएम को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को, यूपीएससी के चेयरमैन को, मेंबर को, ठीक है। प्लस ये हर यूनिवर्सिटी के क्या होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलर दोनों होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने देख लिया, समझ लिया, क्लियर है यहाँ तक। स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होता है, उसके भी ये उसको भी अपॉइंटमेंट करते हैं, उसके मेंबर्स को, उसके चेयरमैन को, ठीक है। जैसे सेंटर में हमने देखा था कि सेंटर का इलेक्शन कमीशन था, उसको अपॉइंटमेंट कौन कर रहा था, प्रेसिडेंट कर रहा था, यहाँ पर गवर्नर करेगा स्टेट के इलेक्शन कमीशन को। एसपीएससी आपने देखा, एसपीएससी के मेंबर को, चेयरमैन को अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करता है। वहाँ हमने देखा था यूपीएससी, यूपीएससी के चेयरमैन को और मेंबर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट कर रहा था, ठीक है। ये क्लियर हो गया पूरा यहाँ तक। अगला, अब अगला हम पावर कर लेते हैं, लेजिस्लेटिव पावर यानी विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ थोड़ी बड़ी हैं तो आप दो लोग इसको बताइए थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। विधायी शक्तियाँ बताइए। गवर्नर का विधायी शक्तियाँ, इसमें बुलावा भेजा जाता है, हाँ, और भंग भी किया जाता है, सभा को भंग कर सकते हैं दोनों सभाओं को, ठीक है। और एक एक जनरल इलेक्शन होता है और इसमें अपॉइंटमेंट मेंबर का होता है और स्पीकर प्लस ड्यूटी स्पीकर अपॉइंटमेंट देते हैं, और चेयरमैन और ड्यूटी चेयरमैन का अपॉइंट देते हैं। पहला हमने देखा कि समन बुलावा भेजना, जैसे प्रेसिडेंट बुलावा भेज रहे थे लोकसभा राज्यसभा को, ठीक उसी तरह से राज्य में गवर्नर बुलावा भेजेंगे दोनों हाउस को, ठीक है। ये बारी बारी से या चाहे तो ज्वाइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं किसी डिस्प्यूट में, ठीक है। पहला प्लस इन्होंने बताया कि ये जो पहला इलेक्शन होता है यानी जनरल इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन का पहला जो सेशन होता है उसको एड्रेस करना, प्लस हर साल का पहला बजट सेशन जो होता है राज्य का उसको भी एड्रेस करना, यही करते हैं, ठीक है। इन्हीं की जिम्मेदारी होती है, ओके। अब आगे और थोड़ा बात कर लेते हैं इनके आगे और कौन कौन सी पावर है। इनकी और पावर की बात करें तो ये नॉमिनेट करते हैं 1/6 मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल, काउंसिल के जिससे इनका ग्राउंड है लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस, कोऑपरेटिव मोमेंट्स, इन सब से। और ये नॉमिनेटेड करते हैं एक मेंबर जो स्टेट असेंबली से, असेंबली से एक मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, और ये डिसाइड करते हैं डिक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन कंसल्ट विथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये डिसाइड करते हैं किसी मेंबर को हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन के, इलेक्शन कमीशन के कंसल्ट पर ये किसी भी सभा के सदस्य को हटा सकते हैं, जिसको कर सकते हैं डिसाइड, इन्हीं को डिसाइड करना होता है। यस सर, ये डिसाइड करते हैं इलेक्शन कमीशन के कंसल्ट पर किसी को मतलब हटाने के लिए, ठीक है। बस ठीक है, ये पावर से नहीं देख लिया कि इन्होंने बताया कि नॉमिनेट करते हैं 1/6 मेंबर्स को कहाँ पे, काउंसिल में, वो उनका ग्राउंड कहाँ कहाँ से होना चाहिए, आर्ट से, लिटरेचर से, सोशल साइंस से या कोऑपरेटिव मोमेंट से, इन सब एरिया से, इन सब क्षेत्र से 1/6 लोग मेंबर नॉमिनेट होते हैं कहाँ पे, काउंसिल में। एक व्यक्ति नॉमिनेट होता है एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी से, कहाँ पर, असेंबली में, राज्य की असेंबली में, यानी हर राज्यों की असेंबली में एक एक व्यक्ति होते हैं, ठीक है। ये पता, जैसे हमने अभी पढ़ा था क्या, लोकसभा में दो व्यक्ति होते हैं नॉमिनेट, कौन करता है उनको, प्रेसिडेंट, यहाँ पर गवर्नर कर रहा है, ठीक है, ओके। राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं नॉमिनेट, 12 हो रहे थे, यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 1/6 मेंबर हो रहे हैं काउंसिल में, है ना, 1/6 टोटल मेंबर का, ठीक है, ओके, नॉमिनेट हो रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से लेकर के। अब थोड़ी सी और बात बची इनकी लेजिस्लेचर में, बिल से संबंधित बातें, जैसे हमने देखा था वहाँ पे प्रेसिडेंट के साथ में तो बिल से कुछ पावर थी, उसी तरह से यहाँ से कुछ बिल पावर हैं, बिल से संबंधित पावर हैं, उसको बताइए कौन कौन से बिल होते हैं, कौन कौन से इनकी बिल संबंधित पावर है। बिल को ये एसेंट कर सकते हैं और विथ होल्ड कर सकते हैं, और बिल में कोई डिस्प्यूट हुआ तो वह बिल को दोनों हाउस में रिटर्न कर सकते हैं, और यह मतलब कि प्रेसिडेंट के लिए कुछ कार बिल को रिजर्व करते हैं, जैसे में नेशनल मतलब नेशनल के लिए कोई बिल इमरजेंसी हुई और डीपीएसपी के लिए और फंडामेंटल राइट, इस पर इन सब पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये रिजर्व करके प्रेसिडेंट के लिए रख लेते हैं, ठीक है। कुछ बिल संबंधित बातें थी इन्होंने, जैसे हमने पॉकेट बिट बिल पढ़ा था वहाँ पे, उस तरह से यहाँ पे भी कुछ पॉकेट बिटोज टाइप की होती हैं, इनके पास भी पावर, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हमने देखा कि बिल को एसेंट देना, ठीक है, बिल को रिटर्न कर देना कंसिडरेशन के लिए दोनों हाउस में, बिल को विथहोल्ड करना, रख देना, कोई जवाब ना देना, और लास्ट पावर इनकी होती है कि बिल को अपने पास रखना, रिजर्व कर लेना फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब वो बिल कौन कौन से होंगे, नेशनल इंपॉर्टेंस के बिल हो सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस के बिल होंगे उनको रख सकते हैं, डीपीएसपी से संबंधित कोई बिल है उसको रख सकते हैं कंसिडर के लिए, प्लस फंडामेंटल राइट है उस संबंधी कोई बिल है उसको भी रख सकते हैं,
ठीक है, इन चीज़ों से वो बिल को अपने पास रिजर्व कर लेते हैं इसके लिए, प्रेसिडेंट के कंसिडर के लिए। ठीक है, ओके, ये हो गई आपकी पावर, सारी पावर होगी आपके लेजिस्लेचर की, लेजिस्लेटिव पावर इनकी हो गई। ओके, लेजिस्लेटिव पावर में एक और पावर की पास बची है आर्डिनेंस की। आर्डिनेंस क्या होता है, किस आर्टिकल में दिया गया है जो गवर्नर के पास है? आर्डिनेंस 213 आर्टिकल में दिया गया है। दोनों सेशन नहीं चल रहा है तो कोई भी बिल बनाने के लिए गवर्नर बना सकता है। हाँ, बना सकता है, कोई आर्डिनेंस ला सकता है। ठीक है, ये मैक्सिमम 6 महीने के लिए, मैक्सिमम 6 महीने के लिए हो सकता है। और पावर हमने देख लिया आर्डिनेंस इनकी होती है जो 213 आर्टिकल में है, उसके उस आर्टिकल के थ्रू ये गवर्नर आर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, ये उनको पावर मिली है। आर्डिनेंस जारी कब होता है, जब लोकसभा यानी राज्यसभा, लोकसभा जैसे सेंटर में थी उसी तरह से यहाँ पे स्टेट के लिए असेंबली और काउंसिल सेशन में ना हो, उस वक्त इनके पास पावर होती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से पूछ करके कोई कानून बना सकते हैं। ठीक है, और जो कानून बनेगा तो वो मैक्सिमम 6 महीने तक वैलिड होगा, लेकिन उसका जो रेगुलेशन होगा, जो एरिया होगा, वो केवल स्टेट में ही रहेगा। जो कानून बनेगा वो उसका इम्प्लीमेंटेशन केवल स्टेट में ही होगा, और ये मैक्सिमम 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा, और हर 6-6 हफ्ते पर इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ये इनका एडनेंस पावर होती है जैसे आपका सेंटर में थी। क्लियर है, ओके। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पावर पे, इनकी फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या इनके पास होती हैं, इनकी फाइनेंशियल पावर बात करें। पावर में बात करें तो पहले बिल को चेक करते हैं, किसी बजट को, बजट को चेक करते हैं, बजट को चेक करना है स्टेट लेजिस्लेचर का। और दूसरा है कि मनी बिल का जो है ओनली बाई प्रियर ऑफ नोटिस, मनी बिल जो होता है प्रायर नोटिस पे पेश की जाती है, प्रायर नोटिस पे पेश की जाती है। अब नो डिमांड फॉर ग्रांट विदाउट अ रिकमेंडेशन, इनके बिना कोई इनके रिकमेंडेशन पर कोई पैसा पास नहीं होगा। ठीक है, ओके। मेक एडवांस फ्रॉम CFS, तो जो आकस्मिक निधि का पैसा है इनके द्वारा ही निकलवाते हैं, जारी होता है, जारी होता है। कॉन्स्टिट्यूटेड फाइनेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल पे ये फाइनेंस कमीशन बनाएंगे। ठीक है, आपने देख लिया कि फाइनेंशियल पावर क्या क्या थी। सबसे पहला आपने देखा कि ये बजट को देखते हैं, फाइनेंशियल पावर इन्होंने कोशिश किया बताया। पहला इन्होंने बताया कि बजट को चेक करते हैं ये, जैसे स्टेट का बजट पेश होता है उसको चेक करेंगे। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा इन्होंने बताया कि जैसे मनी बिल होता है, जैसे मनी बिल पार्लियामेंट में लाया जाता है स्टेट की पार्लियामेंट में, तो उसको प्रायर परमिशन चाहिए होती है किसकी, गवर्नर की। जैसे हमने सेंटर में देखा था कि प्रायर परमिशन किसकी होती थी, प्रेसिडेंट की, वही इसी तरह से यहाँ पे आपको गवर्नर की प्रायर परमिशन चाहिए होती। यही वजह है कि कभी मनी बिल लैप्स नहीं होता है। ठीक है, ओके। फिर अपना इन्होंने बताया कि कोई ग्रांट देना होता, कोई अनुदान देना होता है तो ये यही इशू करते हैं, अनुदान को भी यही इशू करते हैं। लास्ट इन्होंने बताया था कि CFS यानी कंटिजेंसी से भी कोई अगर एडवांसेज करना है, पैसा निकालना है, तो यही रिकमेंड करेंगे यानी यही परमिशन देंगे। ठीक है, एक और इन्होंने बात किया था फाइनेंस कमीशन की, कि हर 5 साल पर फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। जैसे सेंटर में था, सेंटर के लिए सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होता है, उसी तरह से राज्य के लिए राज्य का फाइनेंस कमीशन होता है। कौन बनाता है, गवर्नर बनाता है। ठीक है, ये सारी पावर आपकी लेजिस्लेटिव पावर या फाइनेंशियल पावर हो गई इनकी, ये सारी पावर फाइनेंशियल पावर गवर्नर की हो जाती है। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं कि कुछ जुडिशियल पावर है, कौन कौन सी जुडिशियल पावर है इसको बताइए, समझाइए। गवर्नर हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करते हैं बाई कंसल्ट बाई प्रेसिडेंट, और जैसे प्रेसिडेंट के पास सभी शक्तियाँ होती हैं, समाधान देने वाली, मृत्युदंड के जो क्षमा देते हैं, और कोर्ट मार्शल पे जो सैनिकों को हटा देते हैं, उसी तरीके से शक्ति जो है गवर्नर के पास नहीं है डेथ सेंटेंस को माफ़ करने के लिए, और किसी सैनिक का कोर्ट मार्शल हुआ है तो वो शक्ति इनके पास नहीं है। बाकी सब शक्तियां जैसे प्रेसिडेंट के पास है उसी तरह गवर्नर के पास भी सभी शक्तियाँ हैं। ठीक है, ये सारी इनकी जुडिशियल पावर हो गई। थोड़ा सा पावर हम देख लेते हैं, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात होती है तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज अपॉइंट होते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट, करता कौन अपॉइंटमेंट का, गवर्नर करता है। ठीक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जुडिशियल सर्विसेज होती हैं वो भी आपको ध्यान देना है कि उसमें हाई कोर्ट प्लस UPPCS का एग्ज़ाम जो होता है वो दोनों रोल निभाते हैं, उनके थ्रू रिकमेंडेशन मिलती है, तब जाके उनको भी अपॉइंटमेंट कौन दे देता है, गवर्नर देता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। तो ये सारी बातें हो गई, हमने पूरा देख लिया गवर्नर का सारा टॉपिक, हमने इनका देख लिया, टेनर देख लिया, टर्म देख लिया, पावर सारी देख लिया हमने, सैलरी कितनी होती है, कहाँ से दी जाती है, कितनी होती है, फिक्स नहीं है, है ना, ये फिक्स नहीं है ना, कहीं से पार्लियामेंट फिक्स करता कितना होना चाहिए। तो सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिया इस पर, अब इस पर जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ पॉसिबल बना सकते हैं सब कुछ यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में।
सीएम क्लास होगा अगला क्लास स्टेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।